नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे onlyayurved.com के इस YouTube वीडियो में। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं, और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको नए नए अपडेट्स का पता लगता रहेगा। दोस्तों लाइक और शेयर भी जरूर करें, जिससे कि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपका जो मित्रगण है, वो भी इन वीडियो से लाभ ले सकेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का टॉपिक। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं शरीर की संपूर्ण सफाई के लिए एक विशेष शरीर शोधन चूर्ण के बारे में, जो कि जिसको सिंपल भाषा में शरीर की सफाई यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो शरीर की संपूर्ण सफाई के लिए चूर्ण बहुत विशेष है। इस चूर्ण का उपयोग विशेष शरीर की संपूर्ण गंदगी को बाहर निकालने के लिए, आंतों की सफाई के लिए, पेट की सफाई के लिए, लीवर, तिल्ली, शूल एवं गर्भ के रोगों में बहुत ही लाभदायी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में दोस्तों। तो सर्वप्रथम तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे पंडित लक्ष्मीचंद जी आचार्य, वैद्य रतन ग्राम औबेलिया, जिला बलिया के हैं। इनका धन्यवाद हम करना चाहेंगे कि जिन्होंने ये योग हमारे समक्ष रखा है, और उनका कहना है कि ये योग हर वैद्य को, हर घर में इसको काम में लिया जाना चाहिए। और आइए दोस्तों जान लेते हैं योग क्या है और इसमें किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले दोस्तों काला दाना है 30 ग्राम। काला दाना को कृष्ण बीज भी कहा जाता है। स्नाय 30 ग्राम और काला नमक 10 ग्राम। सबसे पहले काले दाने को स्नाय के साथ पीसकर कूटकर छान लें। उसके बाद नमक को पीसकर उसी चूर्ण में मिला दें। इसको शरीर शोधन चूर्ण कहते हैं। यह चूर्ण कब्ज मिटाने और दस्त खोलने में विचित्र है। यह चूर्ण यकृत, प्लीहा, शूल और गर्भाशय के रोगों में भी दिया जाता है। इसके सिवा जिन रोगों में दवा देने से पहले कोठा साफ करने यानी कि पेट बिल्कुल साफ करने की जरूरत होती है, उन सब में भी इसे दे सकते हैं। इसमें यह खूबी है कि इससे पतला दस्त नहीं आता, पर कोठे का सारा मल बंधे हुए दस्त के रूप में निकल जाता है। इसी सेवन की मात्रा 2 ग्राम से 5 ग्राम तक की है। 1-2 दिन रात को सोते समय एक मात्रा चून फाँक कर ऊपर से गुनगुना जल पीना चाहिए। सवेरे ही 1 या 2 दस्त का खुलासा होने से शरीर हल्का हो जाता है। पहले इसे थोड़ी मात्रा में सेवन करना चाहिए और उसके बाद मात्रा बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों इस निर्देश के अनुसार जो इसकी मात्रा है वो आरंभ में कुछ कमी रखें, पतले दस्त हो सकते हैं। इस दवा के खाने से पेट में दर्द सा होता है, क्योंकि यह चूर्ण आंतों में जमे हुए मल को खुजता है। ऐसी दशा में थोड़ी सी सौंफ मुंह में रखकर चूसने से शीघ्र ही मल निकल जाता है। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रयोग है और बहुत ही इजी प्रयोग है। तो आजकल कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी लोगों को होती है, और कॉन्स्टिपेशन कई और रोगों को जन्म देता है। तो बहुत ही छोटा सा प्रयोग है और इसे आप करके देखें तो इसमें आपको अवश्य लाभ मिलना चाहिए। और कॉन्स्टिपेशन को अगर आप ख़त्म कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आप अपने शरीर के काफ़ी कई सारे रोगों को ख़त्म कर लेंगे। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इसे करके देखें और आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से आयुर्वेद में बहुत ही खूबसूरती से हर चीज़ का हल, हर चीज़ का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। बस ज़रूरत है हमें उन नुस्खों को पहचानने की और उन्हें अपनाने की। मिलेंगे शीघ्र एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।